और कभी कभी यहां तक होता है कि किसी का चरित्र खराब दिखाने के लिए फोटोशॉप किया। महात्मा गांधी तक नहीं बचे। अरे आपको नेहरू की तो क्या ऐसी की तैसी होती है, एक फोटो किसने भेजी। मैं जिस परिवार से आता हूँ उस परिवार में एक आध मतलब कलंकी व्यक्ति को छोड़ के बाकी सारे के सारे आरएसएस बीजेपी के सपोर्टर्स हैं। तो उसका जो फैमिली ग्रुप है ना व्हाट्सएप का, उसमें रोज ज्ञान आता रहता कुछ ना कुछ। एक बार नेहरू जी का चरित्र का चिट्ठा खोलने वाले बहुत सारे फोटो वोटो वाले थे, उसमें एक फोटो में नेहरू जी ऐसे करके खड़े हैं लड़की के साथ, 8-10 लड़कियां खड़ी स्विमिंग पूल के पास स्विमिंग कॉस्ट्यूम में खड़ी है और नेहरू जी ऐसे खड़े हैं। और हमारे फैमिली के जो बड़े बूढ़े हैं वो उसको प्रमाण की तरह इस्तेमाल करें, देखो ये सासली आदमी। एक तो इन सबको पता था, दूसरा मैं कैमरे के वहां गई थी हुआ था इसलिए हमें ही पता है। और वो फोटो बहुत फेमस हो गई। और 2 दिन बाद फेसबुक पर किसी ने लिखा, वो दोनों फोटो निकाली, एक फोटो में नेहरू अपने किसी समर्थक के साथ ऐसे खड़े हुए थे और दूसरे फोटो में कोई दूसरा व्यक्ति उन लड़कियों के साथ खड़ा हुआ था। इन दोनों को मिला दिया, मर्ज कर दिया, फोटोशॉप किया और नेहरू जी गरी गरी में बदनाम हो गए। और नेहरू जी के बदनाम होने से वोट का नुकसान किसको होगा, राहुल को। इसके तो नाना भी ऐसे थे या नाना के नाना पापा भी ऐसे थे, फिर जब वो होने लगेगा तो कैसे बात बनेगी। ये होता है पर्सनल अटैक्स। इसलिए मैं कई बार सलाह देता हूँ सबको, आपको भी दे रहा हूँ, अगर कोई किसी की फोटो भेजी आपके पास कि देखो भरोसा मत करना। मतलब एक होता है ना, पहली बार भरोसा कर लिया फिर डाउट होने लगा, नहीं पहली नजर में भरोसा मत करना। अगर कोई आपको स्क्रीनशॉट भेजे किसी का, पहली प्रतिक्रिया ये होनी चाहिए कि भरोसा नहीं करेंगे। इतना बड़ा खेल है। अब कल्पना कीजिए कोई जैसे एक्स नाम का व्यक्ति उसका चरित्र खराब दिखाना चाहे, कुछ नहीं करना है आपको, उसके फेसबुक प्रोफाइल पे जाइए, उसी की फोटो डाउनलोड कर लीजिए, एक नया प्रोफाइल उसी के नाम से बना दीजिए, उसी फोटो से बना दीजिए, जो जो उसने लिखा है वो सब आप भी लिख दीजिए, नया प्रोफाइल बन गया। उस प्रोफाइल से कुछ गंदा सा मैसेज किसी को भेज दीजिए, किसको भेजिए अपने आप को भेज लीजिए, उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और दुनिया भर में दिखा दीजिए। व्हाट्सएप में कर लीजिए ना, किसी का भी फोन नंबर किसी और के नाम से सेव कर लीजिए, फोटो उसकी लगा दीजिए उस अकाउंट में, अब उसी की फोटो है और जैसे नाम सेव कर लेंगे नंबर दिखेगा नहीं, उसके बाद नाम दिख रहा है फोटो वही दिख रही है। और उस अकाउंट से किसी को खराब मैसेज भेज दीजिए, उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये सब आजकल इतना होता है, साइबर सेल के लोग यही काम करते हैं रात दिन। अगर आप जब कोई आईपीएस बनेंगे पुलिस में जाएंगे तो साइबर सिक्योरिटी एक बड़ा चैलेंज है पुलिस के सामने। और मेरे जितने मित्र पुलिस वाले साइबर सेल में काम करते हैं या सीनियर लेवल पे हैं, वो कहते हैं कि 100 में से 95 मामले ऐसे आते हैं जिसमें किसी ना किसी ने फोर्जरी की होती है इस तरह की। इसलिए इथिक्स की दुनिया में एक नया कंसर्न ये भी है कि कोई किसी की भी छवि खराब करना चाहे तो कर सकता है। और ऐसे में क्या करना होगा, आप सबको कंट्रोल तो कर नहीं पाएंगे, लेकिन आप एक काम कर सकते हैं कि सबको ये समझा दें कि भरोसा नहीं करना है। जब तक आपके पास बहुत ठोस आधार ना हो विश्वास करने का, तब तक भरोसा करने से बचें ऐसी किसी भी सूचना पर।